करते कैथल की, जहां कोरोना का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और अब जिले में कोरोना के मामलों की संख्या 834 तक जा पहुंची है, जिनमें से 320 एक्टिव केस हैं। बीते दिन भी 70 नए मामले सामने आए। कैथल के डीएसपी कुलवंत सिंह ने एमएचएन प्राइम से खास बातचीत की और ये कहा कि पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह नाके लगाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ डीएसपी कुलवंत सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से अब पुलिस प्रशासन अलर्ट है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह से अब कोरोना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन कर रहा है? पुलिस प्रशासन सबसे पहले तो हम आम आदमी को मास्क लगाने के लिए और सोशल डिस्टेंस पालन करवाने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो हम दे भी देते हैं और उसका चालान भी करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें। और हमने अपने जो है पीसीआर है उनकी गाड़ियों में अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगवाया हुआ है और बार बार हम अनाउंसमेंट भी लोगों को कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते जो सरकार द्वारा निर्देश है उनकी पालना करें, दूरी बनाए रखें और मास्क लगाएं। सर, जिस तरह से अब हरियाणा सरकार ने एक फैसला लेते हुए शनि इतवार को दोनों दिन वीकडे करते हुए दुकानें बंद रखने का फैसला किया है, इस पर पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर? अब पिछले शनिवार इतवार को कैथल में पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया गया था। कोई दुकानें बंद, सारी दुकानें बंद थी, जो नियमानुसार खुलनी थी वही दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि हमने पहले से ही सरकार के आदेशानुसार सभी राइडर पीसीआर एसएचओ मोबाइल सभी बाजार में निकाल के हर आदमी को बता दिया था कि ऑर्डिनेंस लागू हो चुका है और आप शनिवार इतवार को दुकानें जो एसएसएल ड्यूटी छोड़ के बाकी दुकानें बंद रखोगे और लोगों ने बंद रखी है। सर, अगर इस तरह से कोई लॉकडाउन पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान भी है? हाँ जी, 144 है, अगर पालना नहीं की जाती है तो जो आईपीसी की धारा है या अन्य जो धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाती है। सर, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखने में आया कि कैथल में मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग भी रहती होती होगी, आप भी उसमें शामिल, क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है मामले जो निरंतर बढ़ रहे हैं? बस ये टेस्टिंग है, थोड़ी टेस्टिंग फालतू है, कैथल में डबल टेस्टिंग कर दी गई है तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने का भी इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है कि ज्यादा बढ़े ना, फिर भी हालात ठीक है। सर, जिस तरह से आगे आप अपनी तरफ से लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो प्रशासन को कोऑपरेट करें, प्रशासन का सहयोग दें ताकि जो कोरोना है उसको वहीं का वहीं रोका जा सके, आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? लोगों को ये अपील यही है कि जब जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, मास्क पहन के निकलें और डिस्टेंस है उसको बनाए रखें और कम से कम अपने घर से बाहर से निकलें, जब जरूरत हो तभी बाहर निकलें। ये थे हमारे साथ डीएसपी कुलवंत सिंह जी, जिन्होंने साथ लोगों को यही कहा है कि कोरोना से बचना है तो सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और सामाजिक दूरी और मास्क का जो प्रयोग करें ताकि कोरोना को रोका जा सके। कैथल से एमएच प्राइम के लिए कैमरामैन रणधीर के साथ राजीव परूती।